किया जा रहा है, क्योंकि मॉल में सर मसाला के पैकेट नहीं जाते हैं। शहर के सभी मॉल्स को हम लोग सिक्योरिटी ऑडिट करा रहे हैं, उनका सभी सर्कल ऑफिसर और थाना अध्यक्ष जाके उसको रिव्यू कर रहे हैं कि उनके द्वारा क्या क्या उसमें उनकी कमियां हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और इससे संबंधित जो है उन एजेंसीज को अवगत कराया जाएगा प्रथम चरण में। अगर उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसमें एडीजे एलो साहब नोडल ऑफिसर है, उनको रिपोर्ट भेजी जाएगी, वहां से लाइसेंस निरस्तीकरण की इनकी कार्रवाई की जाएगी। कल जो JHB मॉल में जो घटना हुई है उसमें जो एजेंसी है हॉक्स सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा ये किया जा रहा है, उसमें एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं जिसके बेसिस पे उनके भी लाइसेंस निरस्तीकरण। हमारी इस संदर्भ में SSP से बात हुई है, SSP का कहना है कि इस संदर्भ में जो भी यहाँ की एजेंसी थी उनके खिलाफ जाँच की जा रही है और उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी, और शहर के जो बाकी मॉल हैं उनका भी वेरिफिकेशन होगा, उनकी एजेंसियों की भी जाँच की जाएगी। सारी चीज़ें जाँच के बाद अगर गलत पाई जाती हैं तो उनका भी लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि किसी घटना के बाद ही प्रशासन या पुलिस महकमा क्यों चेतता है, इसके पहले सारी चीज़ें व्यवस्थित क्यों नहीं की जाती हैं। गोपाल मिश्र, ETV।